ये सब्जियां सर, ये दाल है, वो छोले हैं, ये कढ़ी है। ओके, चार सब्जियां। तो ये जो जगह है, हम खड़े हुए हैं कठपुड़िया। ये रानीखेत से आप अल्मोड़ा जाओगे तो उस पे पड़ेगी एक छोटी सी जगह, इस तरह का कुछ गांव है, और आज हम यहाँ पे ना लंच करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं देसी स्टाइल पहाड़ों में। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो मतलब लंच कहाँ पे कर सकते हो आप सस्ते में और अच्छा लंच। चलते हैं, देखते हैं एक बार इनका अंदर से पूरा कैसा है रेस्ट्रो। सिटिंग प्लान है इनका इधर। अंकल जी यहाँ मिलेंगे आपको, उधर की तरफ सिटिंग प्लान है। और ये देखो, देसी बिल्कुल तवे पर रोटियां बन रही है इनकी। और चार सब्जी रखते हैं शायद, चार या तीन सब्जी एक थाली में। तो अभी दिखाते हैं थाली कैसी है इनकी, कैसी आएगी। तो ये इनकी रोटी बननी शुरू हो गई है पूरा इसमें, मतलब जो गांव वाला वो है वो आएगा आपको आटे की रोटी तवे वाली। इनके पास ये इधर दाल रखी है, इसमें सब्जी है। ये सब्जी है सर, ये दाल है, वो छोले हैं, ये कढ़ी है। ओके, चार सब्जियां एक थाली में देते हैं। और थाली का रेट बताऊंगा तो आप सोक्ड हो जाओगे, अभी बाद में बताते हैं, पहले खा लें हम रोटी। ये बन गई जी रोटी बिल्कुल फूली फूली। ये मतलब ऐसी रोटी आजकल ना गांव में भी नहीं मिलती है, गांव में ही सब गैस पे बनाने लगे। ठीक है, लगाओ आप थाली। उधर की तरफ रोटियां मिल रही हैं इनकी, इधर भी सिटिंग प्लान है बैठने का। तो ये अपनी थाली आ चुकी है, चने चने या छोले आप बोल लो, दाल हो गई, ये सब्जी हो गई अपनी, और ये इधर कढ़ी, ये कढ़ी है, और रोटी हो गई, साथ में इधर इन्होंने सैलेड दिया है, ये चटनी दी है अलग से, और चावल भी ये देते हैं। मैं चावल लिए नहीं क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। यहाँ लेकर आए हमें ये सर, तो ये हैं मिस्टर गजेंद्र सिंह यादव, और इनका यहीं पे अपना फ्लैट वगैरह है। तो इन्होंने बताया कि आपको अच्छी जगह खाना खिलवाते हैं, तो हम इधर आ गए। तो जी पहले खा के टेस्ट करते हैं कढ़ी के साथ इसको। ये डाली इसमें डालता हूँ। ये जी ये हेलो। तो अभी ये इन्होंने दी है भुनी हुई मिर्च, ये मतलब खाने में बहुत मजेदार होती है, साथ में दही भी मिलाया अभी, और रोटी और मंगा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे पेट नहीं भरने वाला खाने खाते हैं। स्वाद में ज्यादा खाई जाएगी। हाँ जी हाँ, और ताजी ताजी रोटियां मिल रही है बन के सामने। खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया। पेट का संतुलन बढ़ चुका है मेरा। तो भाई आज पेट भर के खाया है बहुत खाना। हेलो एवरीवन। ये भी अभी खा रहे हैं, मतलब राइस, आप राइस भी लेते हो, मैं राइस वाइस नहीं लिए जी। मजा आ गया। और ये वाला जो बनने का स्टाइल है ना, वो देख के और भी ज़्यादा मज़ा आया, बिल्कुल अपने गांव वाली वो फील आई, खाने में टेस्ट भी वही आया। और तो ये चटनी में क्या क्या डालते हो अंकल जी, आप बताओ। सर इसमें धनिया है, प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, नींबू है, मिर्च है। ओके, कई कई चीज, वो सारे आइटम है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मजेदार है। धन्यवाद, फिर आइएगा कभी। हाँ पक्का। और आप भी आ रहे हो इधर से, तो गोविंदा भोजनालय है ये नाम इनका, रानीखेत और अल्मोड़ा रोड पे, रानीखेत अल्मोड़ा रोड। और आप भी यहाँ पे मजा लो इस चीज का। सो गाइस, ये जगह जो है ये है कठपुड़िया, और आप इधर से निकल रहे हो तो एक बार यहाँ खा के जाओ, टेस्ट करो अंकल जी के खाने का। और प्लस ये ब्लॉग मैंने फोन से ही शूट किया है, क्योंकि मैं कैमरा वैमरा लेके नहीं आया था, मुझे नहीं पता था ऐसा टेस्ट आने वाला है। कितने रुपए थाली है? 60 रुपए मात्र। 60 रुपए में आप खाओ आराम से, चार रोटी चावल और बहुत सारे आइटम, तीन चार सब्जी मिल रही है आपको उसमें, बताओ और क्या चाहिए, सैलेड और साथ में दही भी, तो मात्र 60 रुपए में मिल रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी इतना सस्ता कहीं और आपको मिलेगा। 60 रुपए में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है।